हमारे हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत पेंशन फोरम नूरपुर यूनिट की बैठक विद्युत बोर्ड के विश्राम गृह बोर्ड में आज हमारी हुई है संपन्न। तो इसमें कर्मचारियों में जो हमारे पेंशनर में काफ़ी ज़्यादा रोष सरकार और मैनेजमेंट के प्रति है, तो आज दिन तक हमारे कर्मचारियों को बढ़े हुए वेतन का जो 1/16 से लेकर के 31Y के दौरान का वो हमारे कर्मचारियों को नहीं मिला, और इसको लेकर के एक भ्रांति कर्मचारियों में है कि आज दिन तक हमारे बिजली बोर्ड में किसी भी कर्मचारी को ये पता ही नहीं है कि मेरा 1/16 से लेकर के 31Y की अवधि के दौरान मेरा कितना एरियर बनता है। तो आज की इस बैठक में हमने एक सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि हम मंडल स्तर पर हम अपने सीनियर एक्शन नूरपुर, सीनियर एक्शन 220, सीनियर एक्शन फतेहपुर और सीनियर एक्शन अंदौरा, इन सभी जो अधिकारी हैं इनको हम एक डिमांड चार्टर देंगे और इनसे कहेंगे कि हमारे प्रत्येक जो पेंशनर है उसको कम से कम ये जानकारी दी जाए कि हमारा जो बकाया राशि है 1/16 से लेकर के 31Y के बीच के दौरान कितनी बनती है, ताकि कल को अगर बोर्ड 10-15-20% का एरियर अगर देता है तो कम से कम उस हमारे पेंशनर को पता होना चाहिए कि मेरा बकाया जो है इतना बोर्ड के पास बचता है। और दूसरा एक ज्वलंत मुद्दा जो हमारा कम्यूट और कम्यूट को लेकर के है, मेरे से पूरा वो हमारे एसडीओ साहब ने एक बात रखी है कि सरकार किस तरह से कर्मचारियों और पेंशनरों का शोषण करती रही है। 15 साल की अवधि में कम्यूट को काटा जाता रहा, एक मुश्त ये राशि दी जाती थी, एक लोन का केसिस था उस टाइम 12% ब्याज की दर से वो ब्याज दिया जाता था, आज वो 5% है। आज पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने जो आदेश पारित किया है उसमें 10 वर्ष और 8 महीने की अवधि में इस कम्यूट को काटा जाना है। तो हम इस बात को कह सकते हैं कि इसमें पेंशनरों का लाखों रुपए का नुकसान इससे पहले हुआ है, और इस बैठक के माध्यम से हम प्रदेश की सरकार से भी कहना चाहेंगे कि हम हिमाचल प्रदेश में जो कर्मचारियों का कम्यूटेशन है वो 10 वर्ष और 8 महीने में काटा जाए। और इसके साथ जो बाकी हमारे जो मुद्दे हैं उसके ऊपर हम लोग लगातार तत्पर रहे हैं, प्रदेश सरकार से और बोर्ड के प्रबंधक वर्ग से हम करते रहे हैं, मगर आज दिन तक बिजली बोर्ड में ऐसा माहौल वातावरण नहीं बनाया गया कि रिटायरियों की और कर्मचारियों की बातों को सौहार्दपूर्ण दौर में पड़े सुना जाए, मगर हमारा रिटायरी फॉर्म हमेशा ही पीसफुल चलता है और अपने टेबल टॉक करने में विश्वास रखते हैं। आज हम ये कहने में गुरेज नहीं करेंगे, आज स्मार्ट मीटरिंग का जो टेंडर प्रदेश सरकार ने कर दिया है, बोर्ड प्रबंधक वर्ग ने किया है, हमारा रिटायरी फॉर्म इसका पुरजोर विरोध करता है। 10,000 का मीटर लगाने की जरूरत नहीं है हिमाचल जैसे प्रदेश पहाड़ी क्षेत्र में, जबकि आपने फ्री बिजली कर्मचारी और लोगों को देनी है। 125 यूनिट सरकार फ्री देती है और 10,000 का मीटर लगाना है, इससे उपभोक्ताओं के ऊपर असर पड़ेगा, अगर उपभोक्ताओं को नहीं पड़ेगा तो बिजली बोर्ड की आर्थिक स्थिति इससे खराब होगी। हम जो कहना चाहेंगे कि स्मार्ट मीटरिंग के टेंडर को तुरंत रद्द किया जाए, प्रदेश सरकार और बोर्ड का प्रबंधक वर्ग इसके ऊपर पुनर्विचार करे, अन्यथा पेंशनर और कर्मचारी सड़कों पर उतरेगा और स्मार्ट मीटरिंग का विरोध करेगा। धन्यवाद।